और बीजेपी ने अपने राज में इतने बड़े बड़े वादे किए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो 2 लाख आपके बच्चों को नौकरी लगाने का हो, चाहे वो 15 लाख बैंक के खातों में आपके पैसे डालने का हो, चाहे वो हमारी सुरक्षा का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की है। आज ना तो 2 लाख बच्चे नौकरी लगे, मुश्किल से मुझे लगता है 30,000 बच्चे भी नौकरी नहीं लगे आज के दिन हमारे। अगर हम बात 15 लाख खातों की कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से, इतनी माताएं आई हुई हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगी कि किस किस के खाते में 15 लाख रुपए मोदी जी ने डाल दिए। सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति, और इन झूठ की राजनीति में फंसने वाले कोई और नहीं थे, मैं तो खुद कह रही हूँ कि हम शायद माता और बहने, क्योंकि हमें रोजगार का लालच था कि हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे। 2 लाख लगाएंगे तो हरियाणा के शायद हर गांव के 4 बच्चे तो आ ही जाएंगे, और वो 15 लाख का लालच तो बहुत ही बड़ा था कि चलो बैठे बिठाए हमारे खाते में 15-15 लाख आ रहे हैं। जो घरों का लालच था कि हर गरीब आदमी को एक घर मिलेगा, मैं कहती हूँ कोई भी हरियाणा का गांव आप जाके उठा लो किसी व्यक्ति की, मैंने तो घर बना हुआ आज तक देखा नहीं, क्योंकि हम गांव-गांव जाते हैं, हर महिला से मैं पूछती हूँ, मैं कहती हूँ आपको मोदी जी ने घर दे दिया, कहते ना जी। कुछ गांव में तो महिलाएं मुझे कहती हैं बहन जी जो आपने हमें सिलेंडर दिए थे ना वो आप अपने वापिस ले लो। मैंने कहा क्यों, तो कहती है वो तो महंगे इतने, हमने क्या करना है। मैंने कहा मैंने नहीं दिए वो सिलेंडर, वो सिलेंडर दिए खट्टर जी ने और मोदी जी ने, जब आपके शहर में आए तो उनकी कार के आगे आप लोग फेंक दो वो सिलेंडर उठा के। तो वो सिलेंडर हम लोगों ने नहीं दिए, वो बीजेपी सरकार ने एक खर्चे के ऊपर, मुझे लगता है ये सिलेंडर देके जो उज्ज्वला योजना इन्होंने शुरू की है वो महिलाओं के ऊपर एक और खर्चा थोपने का काम किया। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे हम महिलाएं, चाहे वो हमारी शिक्षा का ले लो, सबसे पहले मैं कहूंगी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज के दिन कहीं जाके देख लो, सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो हमारी बेटियों पे हो रहा है, अगर सबसे ज्यादा किडनैपिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, हमारी बहन बेटियों की हो रही है, सबसे ज्यादा अगर मर्डर हो रहे तो वो किसकी हो रही है, हमारी बहन बेटियों की हो रही है, और सबसे ज्यादा चार वो चार महीने की हो, चाहे वो 4 साल की हो, चाहे वो 40 साल की हो, चाहे वो 65 साल की हो, सबसे ज्यादा इज्जत और आबरू लूटने का काम बीजेपी सरकार में जो हो रहा है हरियाणा में वो बहन और बेटियों के साथ हो रहा है। तो कहां इन्होंने बहन बेटियां बचा ली, हो सकता है इन्होंने जो सेक्स रेशियो का है भी, हमने लिंग अनुपात जो है वो हरियाणा में बेटियों का बढ़ा है, अभी वो किताबों तक सीमित है। जिस दिन दूसरी सरकार बनेगी इनकी कारगुजारियों की पोल पट्टी खुलेगी, उसी दिन अपने को पता चलेगा कि हरियाणा में कितनी बेटियों की दर बढ़ी है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किताबों तक सीमित है। अगर हम बहन बेटियों की शिक्षा की बात करें तो पूरे हरियाणा में आज के दिन कहीं कोई ऐसा गांव में या शहरों में महाविद्यालय नहीं बना जहां हमारी बेटियां सुरक्षित जाकर शिक्षा ग्रहण कर सके। कोई जो स्कूल है कोई वो अपग्रेड नहीं हुआ, कहीं 10वीं से 12वीं का नहीं किया, ना 8वीं से 10वीं का इन्होंने कोई स्कूल अपग्रेड करने का काम किया। तो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि ना बेटियां शिक्षित हुई, ना बेटियां बचाई गई, ना बेटियां सुरक्षित हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें जाकर आप देख लो, कहीं भी महिला डॉक्टर आपको नजर नहीं आएंगी। महिलाएं आज के दिन ऐसे तो थानों में सुबह से शाम तक खड़ी रहती हैं, हमारी कोई अगर कोई केस हो तो हम खड़े ही रहते हैं, महिला थाने इन्होंने बहुत खोले, पर कहीं भी महिला थानों में हमारी सुनवाई नहीं है। आज के दिन सुबह से शाम तक हम वैसे ही इंतजार करते हैं जैसे पहले आम थाने हुआ करते थे, वैसे ही आज के दिन अगर हम हॉस्पिटल्स ले लो तो महिला डॉक्टर ना होने की वजह से महिलाओं को जो जच्चा बच्चा होती है उनको भी दिक्कत आ रही है। कई बार तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है हॉस्पिटल्स में कि गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ तभी आप डिलीवरी के लिए अंदर कमरे में जाओगे। क्यों भाई, ये आधार कार्ड तो आप बाद में ले लेना, बच्चा होने के बाद में कौन सी महिला हॉस्पिटल से भागी जा रही है। कम से कम वो 24 घंटे तो आपके हॉस्पिटल में रहेगी, थोड़ा सफर कर लो। तो इन सब बातों से बीजेपी सरकार से निजात पाने के लिए सबसे बड़ा विकल्प जो है
विकल्प जो है आप लोगों के पास, आपकी अपनी नई पार्टी है, नया नया डंडा और झंडा है, वो है जननायक जनता पार्टी।